हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। तो जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है हेमंत के कपड़े से, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अपने बच्चे को कपड़े अपने हाथों से पहनाती, लेकिन हेमंत अभी हेमंत क्या फोन दे रही है, हेमंत अभी बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए मैं उसको नहीं पहना पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं। हेमंत जल्दी से रेडी होके नीचे आ रहा है ना बर्थडे के लिए, मैं चाहती थी कि मैं उसको रेडी करके नीचे लेकर जाती, और पता नहीं उसको मेरी पसंद आएगी नहीं आएगी ना बेटा, मेरी पसंद आएगी ना कपड़ों की। देखते हैं, हम खुद ही लुक का वेट करेंगे। सेलिब्रिटी भाई, सेलिब्रिटी। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमको इतना शानदार रूम नहीं मिला था। बच्चों को देख रहे हो? मैं भी ताशी का रूम बनवाऊंगी ऐसा। आ जा बेटा जल्दी से, तेरे ही बर्थडे है बेटा। हेमंत तेरे ही बर्थडे मस्त है। तो आए तो पानी पी लेते हैं। जय भगवान जी, बाबू जी को सुन दे मेरा ने की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम। पानी का गिलास के लिए आई थिंक मुझे बॉटल यूज करना चाहिए, पर बॉटल के लिए वो पानी पानी करंट में पानी चाहिए था, पता नहीं ले लिया। कैसे करंट लिया? बढ़िया दीदी, आपको दिखाई नहीं दी मेरे को, पूरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं। इधर अच्छा लग रहा है, सुकून शांति। इधर ही बैठ जाएंगे थोड़ी देर? बैठ जा, हेमंत को साथ लेके जाऊंगी एंट्री। चलते हैं, एक बार मरी हो रही ना उसके पास चलते हैं। कौन नहीं तो दीदी, एक गेट लगा लो रे बेटा, सेफ्टी करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। एक साथ सिंगल ऑफ यू, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अफसाना वर्ड से याद आया, एक अप्सरा हमारे बीच उतर रही है, सरिता दीदी जोर। चलो महेंद्र जी गुस्सी से तो और किससे बुलवाना? चिंकी मौसी बोलेंगे, चिंकी मौसी, चिंकी मौसी गाना खड़ी हो। अरे आज भी था सामने का मैं तो चला चल आजा, मेरे फ्रेंड्स गए हैं। मैं तो तेरा कभी फोन क्लियर क्यों नहीं रखती है? अब भी क्लियर नहीं, अब कट माइक है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है, लंबी हम सबका अरमान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख। बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज ही के दिन हेमंत इस दुनिया में आया था, तो आज सरिता का हुआ था दूसरा जन्म, इसलिए जन्मदिन की बधाई तो सरिता को भी बनती है। और दो दो खुशी के मौके हैं, किसी के आने की खुशी और जो आया है उस दिन की खुशी। और खुशनसीबी ये भी है कि हम सब इस मौके पर साथ में हैं, इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं जब हमारे सारे अपने हमारे पास होते हैं और हम सबके साथ में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है सरिता को ऐसे देख कर, क्योंकि अभी परिवार वाले भी साथ में हैं और जितने दोस्त हैं वो भी साथ में हैं। हम सब की यही कामना है कि हेमंत अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, जो जो सपने सरिता ने देख रखे हैं हेमंत के लिए वो सारे सपने हेमंत पूरा करे। बहुत अच्छा इवेंट रहा,
सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हुए जो कि आप आगे आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और भी कुछ बातें मुझे आपके साथ में शेयर करनी हैं तो आप पूरे व्लॉग से बने रहिएगा, दिल के बहुत करीब हैं वो बातें। और कभी कभी होता है कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल पाते हैं, पर इस तरह से वॉइस ओवर करके हम आप तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं। तो कुछ ऐसे ही पल आगे मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जब भैया हेमंत के लिए ये गाना गा रहे थे ना, तो बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि हर बच्चे के लिए पापा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके पापा की जगह दुनिया का कोई भी इंसान नहीं ले सकता। कहा जाता है कि माँ बहुत स्ट्रांग होती है, वो माँ भी बन सकती है और पापा भी बन सकती है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है ना कि पापा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये सब देखने के बाद में बस आंखों में आंसू थे, सभी की आंखों में आंसू थे। बहुत सारी बातें सभी को याद आ रही थी, क्योंकि पापा क्या होते हैं ये सभी को पता है, सिर्फ मुझे नहीं, आपको नहीं, सभी लोगों को पता है कि पापा की अहमियत क्या होती है। बस यही कामना करते हैं कि भगवान हर बच्चे को उसके पापा का प्यार दे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो हर वक्त, तो उसका आंसर तो खैर मैं आगे ब्लॉग में आपको दूंगी। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम नहीं, हम पे कंट्रोल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो याद आ जाती हैं, और इंसान ही है, अगर इंसान है तो हर चीज़ फील होती है। फायर गन हमने बुलवाई थी गोद भराई के लिए कि जब ये रस्म शुरू होगी या फिर हम ढोल पर लेकर आएंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन तब हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए ना खुद की खुशी में डांस करने में कि हम भूल ही गए। फिर बाद में हमको ध्यान आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो करनी थी पर रह गई। पहले अभी पूरी फैमिली के साथ में हेमंत का केक कट होगा, फिर उसके बाद हम जितने भी दोस्त हैं ना वो नाचते झूमते हुए फायर गन के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। केक कट गया, कब चलाओगे? छह भैया केक कट गया है, चला दो। नहीं मना किया गया, अभी सब बारूद आ जाएगा। कैसे कटेगा? चारों तरफ हथियारों से घिरे हुए, वहाँ पीछे देखो। ऊपर गिरेगा तो है। अरे भैया तुम उधर जाएगा, कोई बात नहीं। एक दूसरे को मार लो। चारों तरफ इधर भी दो दो है। हमने नीतू दीदी को यहाँ पर बुलाया कि आओ हमारे पास आकर खड़े हो, और सबकी फायर गन स्टार्ट हो गई, लेकिन मेरी और शबनम की फायर गन स्टार्ट नहीं हुई। कुछ वायर वगैरह सेट करना था जो नहीं था उतने टाइम पर, तो वो जो दो गन थी ना वो हम दो नमूनों के पास में थी। फिर उसके बाद में जब सब कुछ हो गया तब हमारी गन जो है हमने स्टार्ट करी थी। यहाँ पर देखिए इतना खुशी का माहौल, इसलिए सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, सब अपने अपने में मगन हैं। एक तरीके से ना अपने बच्चे के बर्थडे पर हम बच्चे ही बन जाते, क्योंकि हमें अपना समय याद आता है। हमारे टाइम पर ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन सेलिब्रेट तो इसी तरीके से किया जाता था। तो यहाँ पर मुझे मिल गई है मेरी गन और हम सब ने मिलकर इसको फायर किया, बहुत मज़ा आया। रियल वॉइस का जो वीडियो है मैं आपके साथ में अलग से शेयर करूँगी, ताकि ये जो सारे पल है ना आप उसको जी सके जैसे हम इसको जीते हैं ना, वैसे आपको भी देखकर वो सब फील हो सके। म्यूज़िक फास्ट कर देने से तो वो जो मोमेंट है ना वो भी बहुत जल्दी जल्दी सा बीतता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो इतने जल्दी ना बीते, हमारे जो खुशी के पल रहते हैं वो मैं आपके साथ में धीरे धीरे ही शेयर करूँ, तो वो हम फिर से आपको अलग से व्लॉग में बताएंगे। ये आकांक्षा मेरा ही प्लान था। तो यहाँ पर हमारी रील शूट हो रही है, हमने एक जो फायर गन थी हमारे लिए रख रखी थी कि हम इसको बाद में फायर करेंगे।
आरती जी को अभी तुरंत ही निकलना है क्योंकि इनके देवर की शादी है। वो सभी को इनवाइट करके गई हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में उन्होंने सभी को इनवाइट किया हुआ है। आई होप कि हम लोग सब इनके फंक्शन को भी अटेंड कर पाएँ। सृष्टि जा रही है यहाँ पर और उसकी आंखों में आंसू हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, और जो नहीं कह पाते उनके मन में होता है कि आप लोग इतना इमोशनल क्यों हो जाते हो, खुशी का माहौल होता है तब भी आप लोग रोते हो, तब तो नहीं रोना चाहिए। तो खुशी के माहौल में हम अगर रोते हैं तो वो खुशी के आंसू होते हैं। जब हमारे दोस्त, हमारे अपने, हमारे आसपास होते हैं ना, हम उनसे गले लगते हैं या फिर उनके साथ बैठते हैं, तो हमें वो सारे पल याद आते हैं जब वो हमारे साथ नहीं थे, या फिर जब हमारे साथ थे और कुछ ऐसे पल हमने जिए हैं जो अचानक से आंखों के सामने आ जाते हैं, तो तब हमारी आंखें जो होती हैं ना वो नम हो जाती हैं। पर उसको सारे लोग नहीं महसूस कर सकते हैं, नहीं फील कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोग इमोशनल होते हैं क्योंकि हम सारे लोग जितने भी हैं ना वो सब इमोशनल हैं। ऑन कैमरा नहीं होता ये सब कुछ, सिर्फ कि हम कैमरे के लिए ये सब करते हैं, हमारे कैमरे ऑन रहते हैं, हम व्लॉगर हैं तो हमारे कैमरे ऑन रहते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी पल होते हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किए जाते हैं, जो बहुत पर्सनल होते हैं, बहुत खास होते हैं। सबकी विदाई हो रही है, सबके मन में कुछ कुछ चल रहा है और वही जो होता है आंखों से झलक जाता है। बहुत बहुत स्पेशल फील किया मैंने, जो कि आगे आपके साथ में मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ। बहुत लकी हूँ मैं कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मेरी खुशी से, मेरे दर्द से, मेरे आंसुओं से, मेरी मुस्कुराहट से फ़र्क पड़ता है और दिल से फ़र्क पड़ता है। अगर मैं खुश हूँ तो मेरे साथ में ये लोग खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं। अगर मेरी आंखों में आंसू हैं, आंसू अगर हैं भी नहीं ना, और मैं चुपचाप अगर कोने में बैठी हुई हूँ ना, तो भी इन लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो भगवान ने अगर मुझसे आशीष जी को लिया है ना, तो मुझे ऐसे रिश्ते दिए हैं जिनका कोई मोल ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है आप इतना रोती क्यों हो, आपको तो खुश रहना चाहिए, आपके पास इतने लोग हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे पास इतने लोग हैं और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं भाइयों के मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। देख रहे हो आप, सारे भाई मेरे पास हैं। मेरा छोटा भाई यहाँ मेरे साथ है और मैं अपने बाकी भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरे आंखों में आंसू थे, पर वो किस वजह से थे वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद भी समझ में नहीं आती कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ हर एक इंसान, मेरे जितने भी भाई हैं, कुछ लोगों से मैं टच में रहती हूँ, बात होती है, लेकिन अधिकतर लोगों से मेरी बातें नहीं होती हैं, ना फ़ोन पर ना मैसेज पर, लेकिन फिर भी उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। आंखों में आंसू तो सभी के थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर मुझे इतना स्पेशल फील करवाया गया है तो उसका कारण है, उसका रीज़न है। यहाँ पर हर इंसान जानता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है और उस कमी को किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से बस मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, मैं खुश रहूँ, ताशी खुश रहे। तो वो छोटे छोटे से जो ये मोमेंट होते हैं, ये जो पल होते हैं ना, कि इनकी वजह से मेरे फेस पर स्माइल आती है, या फिर वो जताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप सब मेरे पास हो। जो गाना मुझे यहाँ डेडिकेट किया गया था वो मैं अलग से आपको व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि उसकी अलग ही भावनाएँ हैं, अलग फीलिंग है। जो ये लोग मुझसे नहीं बोल पाते हैं वो गाने के ज़रिए कभी कभी हम सामने वाले को बोलते हैं। थैंक यू सो मच निक्की भैया, फौजी भाई। यहाँ पर सचिन भैया नहीं थे क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, कोई गेस्ट थे जो उस समय निकल रहे थे, उनसे बात करने के लिए बाहर गए हुए थे। मेरा छोटा भाई जो मुझे नहीं पता था इतने टाइम पर शूट कर रहा है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तब हमें ध्यान नहीं होता है, तो वो इतने टाइम पर उसके पास मेरा कैमरा था। इन सारे भाइयों ने उतने टाइम पर मेरा ध्यान रखा और जो भी उनकी फीलिंग थी वो मेरे साथ में शेयर करी। वो लोग कुछ कहना चाहते थे जो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उसको बोलकर नहीं बता सकती हूँ, पर हर एक इंसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी चाहता है। कहने के लिए तो ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन आज का समय आप सभी लोग जानते हैं कोई अपना भी आपके पास नहीं होता है, क्योंकि समय इतना कीमती होता है ना कि सब अपने अपने में लगे होते हैं। सभी यहाँ पर यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो सबके अपने अपने कंटेंट होते हैं, तो वो चाहते तो अपने आप में भी बिज़ी रह सकते थे। फिर भी वो समय अगर मुझे दे रहे हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और ऐसा नहीं है कि मैं रोती हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं। हर इंसान की आँखों में आंसू होते हैं,
यहाँ पर हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे पास आते हैं तो यार मैंने कुछ तो कमाया होगा, कुछ तो ऐसा होगा ना जो सब लोग मेरे पास होते हैं, क्योंकि एक या दो बंदे होते तो समझ आता है, लेकिन अगर सारे लोग मेरे पास हैं, सारे लोग मुझे समझते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, तो कोई तो रीज़न होगा, कोई तो बात होगी। बहुत रेयर होता है जब हम किसी से बात करते हैं, इतना कनेक्टेड हम लोग नहीं हैं, हमारी बातें नहीं होती हैं, फिर भी जब भी हम मिलते हैं किसी भी इवेंट में तो एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे की मन की बातों को हम फील कर पाते हैं, और ये जो कनेक्शन है ना टचवुड, ये बहुत अनमोल है। ब्लॉगर हैं, खुशी के पल शेयर करते हैं, अगर कुछ ऐसा भावुक मोमेंट होता है वो भी हम शेयर करते हैं, कुछ अगर मोटिवेशनल होता है जो हमको ऐसा लगता है लोगों को इस समय पर इस चीज़ को बोलना चाहिए ताकि कुछ तो दिशा मिले, वो भी हम शेयर करते हैं। अगर हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है वो अगर शेयर करना होता है तो वो भी हम शेयर करते हैं। तो एक ही प्रकार की वीडियोस हमारी नहीं होती हैं, अलग अलग जिस समय पर जो हमें लगता है कि ये चीज़ अभी हमारी लाइफ में चल रही है वही हम शेयर करते हैं, कुछ भी फेक नहीं होता है, ये सब रियल होता है। तो रियलिटी के साथ में हमारे व्लॉग जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो पूरे फंक्शन हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने भी हमारे साथ इस पल को जिया होगा, हमारी मस्ती, हमारे डांस परफॉर्मेंस, जो भी हमारे सॉन्ग हमने साथ में सेलिब्रेट किए हैं वो सब कुछ मैं आपको अलग से व्लॉग में शेयर करूँगी। तुमने देखा ना मेरे उस दिन नौकर से कहे थे पेड़ में लग गई थी, इतना बड़ा भाव अरे तुम्हें लग गई एक ब्लॉग बने सामने वाला रो रहा है बेइज्जती हो जाएगी। अंकुश भैया, अंकुश भैया आप अगर बोल दोगे ना अंकुश भैया सुनो, आप बोल दोगे ना अगर कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया सचिन, सचिन कैसे हो गया? अरे सचिन भैया इन्हीं खुशी के पलों के साथ में हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।